लीजिए, इसकी आंखें देखिए, इसकी आंखें देखिए, जैसे मैं पुकारूंगी जियोस, देखिए देखिए जियोस, जैसे पुकारूं वैसे ही मुंह ऊपर करती है, देखिए करती भी है कि नहीं जियोस। देखिए अच्छी लग रही है ना दोस्तों, तो जरूर बताइएगा कैसी लग रही है कमेंट्स में। क्या देख रही है जियोस, इधर देखो इधर देखो। ये देखिए पूरा वीडियो मैं बना रही हूँ उसको, देखिए कितने अच्छे से बैठी हुई है ये। ये देखिए जियोस, ये देखिए बैठी हुई है, एक हाथ से दोस्तों पकड़ी हुई हूँ वीडियो, एक हाथ से दरवाजा पकड़ी हुई हूँ, इस वजह से थोड़ा ठीक से नहीं बन पा रहा है ये। जियोस, ओ चलिए चलते हैं फिर दोस्तों, आगे बढ़ते हैं। नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सब? उम्मीद करते हैं काफ़ी अच्छे से होंगे, काफ़ी खुश होंगे। आप सभी के लखनवी गार्डन में मैं आज इस बोगेनवेलिया के बारे में बताऊंगी, और साथ में ये भी बताऊंगी कि आप एक बड़ा सा ट्री लगाओ, उसके आसपास आप कई प्लांट लगा सकते हैं, छोटे छोटे भी लगा सकते हैं, बड़े भी लगा सकते हैं। आपको देखिए डायरेक्ट ज़मीन पर लगा हुआ है दोस्तों, ज़मीन पर लगे होने के कारण आप देख सकते हैं कि इसके पास जो है चांदनी का भी लगा हुआ है, देखिए चांदनी का भी प्लांट लगा हुआ है, और भी बहुत सारे आप देख सकते हैं, दिख रहा होगा कि बहुत से प्लांट लगे हुए हैं। और ये देखिए, तो इस तरीके से भी आप कर सकते हैं दोस्तों। चलिए आइए और भी दिखाते हैं हम आपको। तो दोस्तों आप यहाँ पर देख सकते हैं ये वाइट कलर का बोगेनवेलिया है, और इसकी पत्तियों पे गौर करिएगा, इसकी पत्तियाँ कुछ इस तरीके की होती हैं, जो गुच्छे वाले होते हैं उनकी पत्तियाँ कुछ इस तरीके की होती हैं। तो जो है आप देख सकते हैं यहाँ पर मैं दिखाने की कोशिश कर रही हूँ, देखिए ज़मीन पर लगा हुआ है, ज़मीन पे लगे होने के कारण ही ये, इसको हम बड़ा करेंगे, जैसा कि आपको पिंक कलर का मैंने दिखाया है वैसे ही देखिए यहाँ तक का हो गया है, और जल्दी ये बड़ा हो जाएगा। और साथ में आपको दिखा रही हूँ यहाँ पर देखिए ये चंपा लगा हुआ है, और चंपे की मैंने दोस्तों यहाँ पर कटिंग कर दिया था, ये देखिए, ये देख रहे हैं आप, ये कटिंग किया हुआ है, कटिंग करने के कारण देख सकते हैं आप, देखिए एक ये शाखा निकली हुई है, एक आपको मैं ये दिखा रही हूँ ये निकली हुई है, एक ये देखिए, तीसरी ये हो गई, चौथी ये हो गई दोस्तों ये वाली। तो इस तरीके से आप देख सकते हैं चार शाखाएं निकली हुई हैं दोस्तों, इसी तरीके से आपको यहाँ पर भी देखने को मिलेगा, यहाँ पर भी मैंने इसकी कटिंग कर दिया था दोस्तों, मैं दिखा रही हूँ ये देखिए मैंने कटिंग किया था। तो कटिंग करने के कारण हवा बहुत तेज़ चल रही है, कटिंग करने के कारण इसमें भी चार शाखाएं निकली हुई हैं दोस्तों। तो ये देखिए यहाँ पर ये बोगेनवेलिया है जो ये जो है निकल रहा है, बड़ा हो रहा है, आप देख सकते हैं। फिर उसके बाद मैंने ये चंपा लगाया, उसके बाद आप यहाँ पर भी मैंने बोगेनवेलिया लगाया था, ये पिंक कलर का है और ये वाला वाइट कलर का है, ये देखिए इनकी पत्तियों में अंतर देखिएगा दोस्तों, इनकी पत्तियाँ देखिए कुछ अलग हैं इनकी पत्तियों में, और ये जो पत्ती है इसमें देखिएगा कितना फ़र्क है दोनों पत्तियों में, है ना फ़र्क दोस्तों, है ना, ये देखिए इस पत्ती में और इस पत्ती में दोनों में फ़र्क है। तो ये बोगेनवेलिया कुछ अलग होगा, इसके देखने में तो सेम लगता है लेकिन ये गुच्छे वाला होगा दोस्तों, और ये थोड़ा सा अलग निकलेगा। देखते हैं पिंक कलर का मैं लेके आई थी कैसा फ्लावर्स आता है, क्योंकि फ्लावर्स आने पर ही पता चलता है हमें कि हम कैसा प्लांट लेके आए हैं दोस्तों। और ये देखिए, ये आप देख सकते हैं दोस्तों, इस पर भी वीडियो बनाया हुआ है, लिंक डाल देंगे और आप जाके ज़रूर देखिएगा। इसका प्लांट का नाम है दोस्तों लैला मजनू, ये बहुत ही सुंदर होता है दोस्तों। ये आगे से देखिए कुछ इस तरह का जो है पत्ती का कलर होता है, और चलिए पीछे से दिखाते हैं दोस्तों, कुछ इस तरह का होता है। और ये ज़मीन पे लगे होने के कारण ही आप देख सकते हैं इनकी जो पत्तियां हैं इतनी ज़्यादा बड़ी हैं दोस्तों, ये देखिए इनकी पत्तियां कितनी बड़ी बड़ी है, ये देखिए, है ना, देख सकते हैं, देख रहे हैं, दिख रहा है दोस्तों, ये देखिए कितनी बड़ी बड़ी हैं। और मालूम है इसमें दोस्तों, अगर पानी से इसको जो है कर दिया जाए, पानी छिड़काव कर दिया जाए, तो इसमें इनकी पत्तियों में बहुत शाइनिंग होती है, बहुत चमकती हैं इनकी पत्तियाँ, और ये देख सकते हैं पीछे भी, ये बहुत ही सुंदर लगता है दोस्तों। तो ये देखिए बोगेनवेलिया यहाँ पर देख सकते हैं आप, ये दिख रहा है अशोक का ट्री, खूब बड़ा सा है, अशोक का ट्री के बगल में ही हमने देखिए कितने सारे प्लांट लगा सकते हैं। ये देखिए ये चांदनी का लगा हुआ है, चांदनी का, ये डबल चांदनी का प्लांट है दोस्तों, ये डबल चांदनी में लगा हुआ है, ये देख सकते हैं जो है ब्लू कलर के इसमें फ्लावर्स आते हैं। ये देखिए दो हो यहाँ पर, देखिए बोगेनवेलिया हो गया, चंपा हो गया, उसके बाद ये प्लांट हो गया, चांदनी हो गया, ये लैला मजनू हो गया दोस्तों, और साथ में देखिए ये करी पत्ता भी मैंने लगा रखा है। और अरे वाह दोस्तों, ये देखिए क्या देखने को मिला, देखिए कितना अच्छा लग रहा है, ये हम लगा के भूल गए थे दोस्तों, लगा के ध्यान नहीं दिया था मैंने, ये गुड़हल का है, उसकी भी पत्तियाँ देख सकते हैं आप कितनी बड़ी बड़ी हैं दोस्तों। तो यहाँ पर गमला है, गमले में लगा हुआ है ये स्नेक प्लांट, और यहाँ पर मैंने
लगाया हुआ था ये, इसको जो है अपराजिता बोलते हैं। अपराजिता पे भी वीडियो बना हुआ है, लिंक डाल देंगे दोस्तों, जाके जरूर देखिएगा। और ये वाइट कलर के सीड से इसके डाले थे मैंने, और देखना है, देखते हैं क्या निकलता है, वाइट कलर का निकलता है या ब्लू कलर का निकलता है। ये अशोक का है, देख सकते हैं ज़मीन पे लगे होने के कारण, देखिए ज़मीन पे ही लगा हुआ है, लेकिन मैंने आसपास देखे कितने सारे प्लांट लगा सकते हैं। इस तरीके से आप भी कर सकते हैं, लेकिन उनको बड़ा मत कीजिएगा, कटिंग करते रहिएगा, उसमें फ्लावर्स आएंगे। और ये डबल चांदनी का है, और उसी तरीके से सिंगल चांदनी भी होता है। सिंगल चांदनी का भी फ्लावर्स मैं आपको दिखाऊंगी, बने रहिएगा वीडियो में अंत तक, और इसकी बिल्कुल भी मत कीजिएगा। इस तरीके से मैं आज आपको ये वीडियो दिखा रही हूँ कि आप एक अगर बड़ा सा ट्री, कोई भी ट्री है, उसके आसपास इस तरीके के प्लांट आप लगा सकते हैं दोस्तों। तो चलिए चलते हैं, चांदनी का दिखाते हैं, जो सिंगल चांदनी होती है उसके फ्लावर्स। लेकिन उसमें एक चीज़ बहुत अच्छी होती है, सिंगल जो चांदनी आप लगाएंगे, चलिए पहले दिखाते हैं उसी के साथ, फिर मैं बात करती हूँ आपसे। तो ये देखिए सिंगल चांदनी है दोस्तों, सिंगल चांदनी में कुछ इस तरीके के फ्लावर्स आते हैं, और कुछ ज़्यादा ही संख्या में आपको देखने को मिलेंगे। डबल चांदनी में भी मिलेंगे दोस्तों, और इस तरीके के फ्लावर्स, तो आप इस तरीके का भी लगा सकते हैं। और दोस्तों इस तरीके का भी आप चांदनी का लगा सकते हैं, और इस तरीके का भी आप लगाएंगे तो इसमें भी फ्लावर्स बहुत ज़्यादा संख्या में आते हैं। चांदनी पे भी वीडियो मैं जल्दी बनाऊंगी, और कुछ नया लेके आने की कोशिश करती हूँ, कुछ नई जानकारी देने की कोशिश करती हूँ। और बहुत लोग, जैसे ये होता है कि एक पेड़ होता है साइड में, बहुत सारी मिट्टियाँ खाली रहती हैं, तो कुछ लोग पसंद करते हैं लगाना, कुछ लोग नहीं पसंद करते हैं, कुछ लोग मनी प्लांट लगा लेते हैं, कोचिया लगा लेते हैं, तो जैसा आपका मन करे आप वैसा लगा सकते हैं। कुछ लोग स्नेक प्लांट भी लगा लेते हैं, तो मैंने कुछ इस तरीके से इसको लगाया हुआ है। और हाँ दोस्तों, इसकी कटिंग कर देंगे, इस तरीके से नहीं रखेंगे इसको, इसकी कटिंग कर देंगे हम बोगेनवेलिया की, और उसको छोड़ देंगे। जब इसमें फ्लावर्स आएंगे तो इस पर वीडियो हम ज़रूर बनाएंगे। तो अगर मेरा वीडियो अच्छा लग रहा है तो प्लीज़ इसे लाइक सब्सक्राइब शेयर ज़रूर कर दीजिएगा। और पहली बार अगर आप मेरा वीडियो देख रहे हैं तो प्लीज़ इसे सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। मेरे सभी सब्सक्राइब को हाथ जोड़ के मेरा बहुत बहुत धन्यवाद। इसी तरीके से आप मेरा वीडियो देखिए, सब्सक्राइब कीजिए, और आगे हमको भी बढ़ाइए, और हम भी चाहते हैं आपके साथ हमेशा जुड़े रहना। तो इसी के साथ ही आज का वीडियो यहीं पर समाप्त होता है, जल्दी ही मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय।